दीदी अब यहाँ से अंडा के निकला भाई तो फिर क्या कर भाई? फिर 2 किलो जो धान है से के यहाँ डाल भाई। अब के आप अच्छा से मिला ले भाई। काहे दीदी? जे अच्छा बीज नीचे चल जाता है और जे खराब बीज है इकर में से ऊपर चल आता है। अभी के ऐसन ऐसन करके निकला दे भाई। हाँ दीदी, खराब वाला का निकला एक होता है ना। हाँ दीदी, खराब वाला धान तो निकल गेलो, अभी के का कर भी? अभी के इस जे खराब पानी है से के निकला दे भाई। अब इकर से सब गंदा पानी के निकला दिलिए दीदी। अब इकर में 2 से 3 बार अच्छा पानी में धोबे। काहे दीदी? जब तक इकर में नमक कर अंश नहीं खत्म होते तब तक इके धोए खाए। नमक कर अंश रहले का होतो दीदी? ठीक से अंकुर नहीं होता। अब इकर में ऐसा करके धोबे दीदी कि अच्छा पानी में धान के 3-4 बार। हाँ इकर में अब नमक कर मात्रा खत्म हो गए। अब इकर में क्या करे को? अब इकर में पानी डाल भाई दीदी। धान नीचे होना चाहिए तनी सुन ऊपर, और एक रात के लिए इके ऐसन छोड़ दे भाई। काहे दीदी एक रात छोड़ भाई? ठीक अंकुर ठीक होता है दीदी इकर में। अच्छा ये देखी दीदी, कल तो करीस 18 से 20 घंटा रखे ले। देखी धान ठीक। तब दीदी के सूत्री बोरा में छाके खाई। ठीक तो दिल्ले सूत्री बोरा निकला थे ये? ठीक दीदी हम निकला देते हैं। निकला तब ठीक दीदी के पसरा दे भाई और 10 मिनट के लिए सूखेले छोड़ दे भाई। ठीक दीदी। दीदी 10 मिनट तो हो गए लो, अभी के का करे खो? दीदी अब इकर में भी जामृत डाल भाई और इके मिला दे भाई। अभी तो हो गए लाई, अब इके पोटली बांध के रखे खाई 12 घंटा और नमी के बोरा के नमी करके रखे खाई। अच्छा दीदी इके नमी बनाए के ओहे ले रखिला कि के अंकुर अच्छा से हो जाते हो। ठीक दीदी हमके इतना टाइम दिली से बीज उपचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार दीदी। जोहार। हाँ तब भाई बहन मने कैसन बीज उपचार करल जायला से के तुहिन देखला। हम इनके इकर में ही फायदा हो ला कि अच्छा बीज हम इनके मिल जाएला, जेकर से बीड़ा कर ले इकर पौधा बहुत अच्छा हो ला। ये ले भाई बहन मन से अनुरोध है कि ई तरीका के अपनावा और उपज अधिक पावा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।